गाइस ये बज रहे हैं अभी सुबह के 5:10। और जो है भोसड़िया चाचा को हम बोले हैं, मतलब वही हमको बुलाए हैं कि सुबह देख रहे हो, हालत देख रहे हो मेरा, सुबह के 5:30 बजे स्टेशन पहुंच जाए, हमको मरवा के छोड़ेंगे। ठीक है, सुबह सुबह निकल रहे हैं, बहुत ही गंदा सफ़र हो रहा है, ठंडी का मौसम है तो समझ जाओ, आँख लाल है अभी तक, अभी वो उठ रहे हैं अभी। तो गाइस ये हमारी कड़कती ठंडी, इतनी ठंडी पड़ी हुई है और हाथ मेरे जम रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है वरना मैं मर जम जाऊँगा। ये लो आ गया पंप, रास्ता भी ख़राब है, देख लो अभी तक तो पूरा रात है और इस समय हमें भोसड़िया काका बुलाए हैं, इनको तो हम पेलेंगे किसी दिन, अभी तक सही से सुबह भी नहीं हुआ है, मिलने दो भोसड़िया चाचा को, हम देखते अच्छे से। बाप रे, पिछले 15 आधे घंटे से बैठा हूँ और भोसड़िया काका जो है वो देखो दिख रहा है, वो देखो अभी आ रहे हैं भोसड़िया काका, ये लेट नहीं तो क्या है, नाइंसाफ़ी है। तो अब से हमारा ये स्पेशल सेक्शन रहेगा हर एक वीडियो में, वो है शाउट आउट टू एवरी न्यू पर्सन हु हैव सब्सक्राइब। तो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारी फूडी फैमिली को ज्वाइन किया है वो हैं हमारे ऑनलाइन एरा, देन है जमीर मुस्तफ़ा, गौतमी सिल और हमारे सुभदीप बर्मन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर फैमिली। तो ऐसे ही फूडी बने रहे और मस्ती करते रहे। क्या है भाई तुमको इतना लेट कहाँ जाते हो? लोटा फंस गया था रास्ते पर, लोटा लेकर घूम रहा है, बताओ ये कौन सा वाला लोटा? पता है वो हांडी खाए थे ना हम लोग, हांडी पी, वो लोटा इतने गरीब है, बताओ क्या करे, तुम इतने लेट आए हो? हम लेट है, हम 15 मिनट से खड़े हुए, हम लेट है। हाँ मैं तो बुलाए खुद है, आते लेट है, 45 मिनट से हग रहा था, बहुत प्रेशर आ गया था। हाँ ये देखो ये रास, ये है पटरी पे हकते हैं, ये बताओ घर में नहीं है कुछ, बनवाए नहीं, शौचालय बनाया नहीं है, गरीब है, देखो अभी दूसरे का लोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काहे बुलाए हो भाई इतना सुबह सुबह, अभी तक इतना सुबह बुलाए हो कि अभी तक सुबह का वही नहीं मिल रहा है, सूरज ही नहीं। अरे सुनो ना क्या हो गया, इतना सुबह कोई बहुत इमरजेंसी हो गया, बोलो, बहुत तबीयत खराब है हमारे पेट का, समझे? हाँ आगे बोलो, क्यों क्या हुआ? अरे असल में वो चाइनीज खाने का बहुत मन कर रहा है, मतलब कल असल में अरे हम कल टीवी देख रहे थे तो चाइनीज दिखा रहा था, वो जमाल गोटा मिला रहे थे। चल चल ना, सुबह सुबह जो भोसड़िया काका बुलाए हैं अच्छा ही बुलाए हैं, सुबह सुबह का ये जो मज़ा दिख रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है, चिड़िया का चहराती चहराती आवाज़ आ रही है, क्या बात है। चुके हैं टीडी मार्केट में, सुबह सुबह खुलता है, आपको आना है तो सुबह 5 बजे निकल जाना, 6 बजे तक तो खुल ही जाता है ये मार्केट, पैदल पैदल आना, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया है भाई, पेट में ऐसी। ठीक है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए, बाद में बतियाओ ना, चलो ना चलते हैं। ठीक है बोर्ड पे तो इधर सब कुछ है, मीट बॉल, फिश बॉल, मशरूम बॉल, इतना तो हम नाम ही नहीं सुने थे, क्या बोल रहे हैं कि अच्छा पॉर्न सुई माई और प्रॉन है, वो प्रॉन, अच्छा प्रॉन है, सॉरी ठीक है प्रॉन, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, बहुत कुछ है, चिकन पो, और जल्दी बताओ कि क्या खाना है। तो एक्चुअली इन आंटी के पास जो खाने का आइटम्स रह गए थे वो बस
पॉर्क के आइटम ही रह गए थे, और पॉर्क को हम शुद्ध हिंदी में यानी कि भोसड़िया कक्का के हिंदी में बोले तो सुअर, सॉरी बट यही है। तो यही सारे ज़्यादा आइटम रह गए थे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो चिकन का शायद एक दो आइटम आंटी ने बोला था वो हमको पसंद नहीं आया तो हमने लिया नहीं, लेकिन बहुत जो लोग खाते हैं या मतलब रेगुलरली खाते हैं, जो लोग जानते हैं पसंद है जिनको, वो लोग ज़रूर आए। और प्राइस जो मैं बोलूँगा, प्राइस मतलब मुझे लग रहा था बहुत कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही निकला, कम से कम 50-70 ऐसे प्राइजेस थे। तो ऐसे में हम लोगों ने अपना जो स्टॉल था वो चेंज किया, दूसरी जगह गए, और उधर भी एक ही चीज़ मिल रहा था हर जगह, फर्क ही मतलब मीट ख़त्म ही कर दिए थे, फिर भी इनके पास एक आइटम मीट का था, चिकन मोमो था इनके पास, तो वो एक हमने लिया, और दूसरा पॉर्क और फिश तो मिक्स था। तो हमने सोचा चलो ठीक है थोड़ा बहुत ले लेते हैं, मिक्स है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आइटम ही नहीं थे, मतलब इतना ही आइटम था, उससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अब यही करते हैं रिव्यू और क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है, ये तो बुलाए थे हमको सुबह सुबह, सुबह सुबह आए थे, लेकिन ये जो एक जगह पे ले आए हैं ना हमको, इधर बहुत ज़्यादा प्राइस है, ये गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं है हम जैसे गरीबों के लिए, ठीक है, और ऊपर से इधर बस पॉर्क के आइटम मिल रहे हैं। आज संडे में असली मार्केट बैठ रहा है, तो संडे आ सकते हैं। सुअर हम नहीं खाते भाई, ठीक है, और बस चिकन का लिया हूँ और एक पॉर्क और फिश शायद मिक्स वाला है वो हमने ना ये कैसा भेजा टाइप देखने में, और प्राइस 50 है, 50 के नीचे है, भेजा टाइप देखने में है, दिखने में देख रही जी भेजा साला, इसका भेजा नहीं लग रहा वाला, ऐसे दिखने में होता है कि नहीं पता, कमेंट में बताना मेरे को। और चिकन मोमो ऐसा है वो आपको दिखा देंगे हम लोग। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, कुछ खास नहीं, ज़्यादा खाने में अच्छा होगा। हमने इससे बहुत सारे मोमो खाए तो ये कुछ अलग नहीं है, कच्चा पीस दिया है बे। चिकन मोमो कभी मतलब उतना खास नहीं है, क्या चिपका चिपका हुआ है देखो। दोनों का दाम कितना लिया, 150 हो गया, इससे बढ़िया हम पूरी चावल खाएंगे, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। मैं डिको बोला ही था ये देहाती खाना हमको नहीं, मतलब ये खाना हमको नहीं होगा, ये सुबह सुबह फ़ोन करके बुलाए हम, हम बुलाए तुमको। देखते हैं आगे इधर कहीं और एक्सप्लोर करते हैं जो आपको सही लगे, तो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए मतलब ये बहुत बेकार ठीक ठाक नहीं है। अब आप देख लेना, अगर आके कभी चॉइस मार लेना एक बार, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आ जाना। फिश एंड सुअर जो था टट्टी था, सच बात है, मज़ा नहीं आया। इसके बाद ठीक हमारे पीछे एक आंटी थे जिनके पास फिर से वही सारे प्रोडक्ट थे, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, फिर उनमें से एक हॉट चिली कुछ चिकन जैसा था वो मैं, हम लोगों ने हॉट चिली चिकन फ्राई करके था वो, हम लोगों ने बोला कि हमको दो दे दे, हम इसे ट्राई करते हैं क्योंकि अपन को इधर कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। आज पूरा दिन का माँ बहन होगी से इतना देर में चिकन मिला है, वो जो वो सुअर खा गए ना, देखो पॉर्क वर्क हम विश्वास नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि, तो सच बताए तो हम लोग को वो सुअर फुअर रास नहीं है, हम लोग के पेट में हजम नहीं होता, तो खाते ही नहीं है पहली बात। हम लोग भाई देहाती लोग हैं, चिकन से पेट भरते, यही चकना से खाते हैं हम लोग, तो देखते ही चकना कैसा है हमारा, लेट्स ट्राई कि ये सही रहता है कि घर। ये भी कुछ खास नहीं है भाई, एक ही टेस्ट आ रहा है, आगे से बेटर है, तू सुअर से तो बेटर ही है ना, पूरा तेल पूरा तेल भर गया मैं भाई, ये चिकन है देख सकते हो, मोटा मोटे खाने में कुछ खास नहीं है इतना,
बात ये है कि बाहर देसी खाना है और हम ये थोड़ा चाइनीज देसी है ठीक है, हाँ, ये बात है। पर हम लोग जो खाते हैं ना, मैं तो पहली बार ही सुअर फुअर खा रहा हूँ तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा। जिसको खाने में मज़ा आता है वो खा ही सकते हैं। करना है तो आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना छोटा मार्केट का है, संडे रहता है ना मेन मार्केट, संडे मेन है, वही मैं बता। और ये क्या बना रहे भैया? संडे मेन है, दो दिन लगता है, सैटरडे संडे, शनिवार और रविवार। शनिवार रविवार, ये ब्रेड है, चाइनीज ब्रेड है, चाइनीज ब्रेड पहला, ये तो पकौड़ा टाइप है। इसको दो पीस दिखाओ, कैसे बोलते हैं फिर इसको? ब्रेड तो बेक होता है ना, ये चाइनीज है इसलिए ना। चाइनीज में फ्राई करने से भारत भारत का होता है वो बेक होता है, ये चाइनीज का इसलिए बहुत तल के आ रहा है। दो को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मार्केट है, जस्ट सब लोग सजेस्ट करें कि संडे संडे सैटरडे आइए सुबह 5:30 बिल्कुल मॉर्निंग वॉक। अच्छा, और ये हमारा फ्राइड बेक जिसको बोल रहे हैं चाइनीज ब्रेड, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ये हमारा दूरबीन है, चलो काटो। ये बहुत ही नरम नरम है और थोड़ा, अरे ये क्या बोलेंगे ना, पूरी टाइप का। काहे ब्रेड बोलते हैं इसको? ये ब्रेड बना, चाइनीज ब्रेड बोलते हैं लेकिन पूरी टाइप का, मतलब देसी में पूरी टाइप। खाने में बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शुगर से तो बढ़िया है। नमक वगैरह नहीं है, नमक सिंपल सिंपल। गिनने वाला नहीं है बाबू, ऐसे गिनने वाला माल नहीं है। पीछे देख रहे हो ये हलवा, दाल का हलवा जो होता है, माल का नाम है दाल का, जो वो हलवा टाइप बना के जो पूरी बनाते हैं ना वो है, वो देसी चीज़ है, वो खाएंगे अभी, ट्राई करेंगे। वो हमारे बिहार में मिलता था पहले, हाँ बिहार, बिहारी का है, आपका आपके रीजन का है, टेंशन मत लो। हमारा देसी भैया, तो भैया आपका नाम? मेरा नाम रुद्र है। रुद्र है, इधर ही रहते हो का? बिहार से हो का? बिहार से नहीं बोल सकते। अरे हमार भैया है आप, तो कहाँ बना खा रहे हो? ये आपका है दाल पूरी। दाल पूरी पूछ तो लिया था पहले, फिर से काहे पूछ रहा है? ठीक है ना, फिर भी पूछ रहा है क्या? ठीक है ना, और इसके साथ क्या मिलता है दाल पूरी के साथ? दाल पूरी के साथ आपका सब्जी है और हलवा पूरी है। हलवा पूरी है, ये देखो ये हमारा देसी खाना, ठीक है, खाओ, खा के बताओ कैसा है। खाने में कहा है भालू भाषा है, बंगाली में बोलते हैं ना भालू भाषा, भालू भाषा नहीं हो, भालू भाषा भालू भाषा भालू भाषा। जो ब्रेड था ना, ब्रेड बा, ये कचौरी है, कचौरी बा भी दोनों बढ़िया था, उस सुअर फुअर हमसे ना हो पाया, हमसे ना हो पाया। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आके भैया का एक बार टेस्ट करके जाना। ये हमारा बिहार का छोला बा, ठीक है, इसके साथ आलू बा और इसके भीतर वो दाल बा, बहुत बढ़िया खाने का, बहुत बढ़िया। ये भैया पीछे, इनका नाम क्या था? रुद्र। यहाँ पे आके रुद्र भैया के पास आके खा रहे, बढ़िया बना रहे। हमको पता है सुबह मुझे चूल मचा था, ठीक है, हमार पीठ में ना मुझे लगा था कि चाइनीज खा के पूरा चाइनीज हो जाएगा, पूरा अंग्रेज, लेकिन फिर औकात में आ गए खुद के, फिर पैसा देखते ही औकात में आ गए। ना पैसा देखा, गरीब बना दिया साला हम लोग। हमारा मूड हो गया ऑफ, मतलब इतना अच्छा नहीं था, बाकी पूरी वगैरह बहुत अच्छा था। देखो भाई जी, सच बताए तो जो जो यूट्यूबर होते हैं ना भाई, वो झूठ बोलते हैं। मैंने कल बिग भाई से देखा, पूछा था कहाँ अच्छा चुनीज कुजीन मिलता है, ठीक है, चाइनीज कुजीन, लेकिन इधर आया एक्चुअली हमको जो रिव्यू मिला वो है कि संडे संडे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उधर ज़्यादा मार्केट है, पर उसका भी आइडिया नहीं है कि कैसा क्या टेस्ट रहेगा। संडे बोलो तो संडे सैटरडे रविवार शनिवार, रविवार जो रविवार है, मुझे आज किसी ने भेजा खिला दिया, वो जो भेजा था ना था, अच्छा वो जो शौचालय था ना वो उसी पर हगने के लिए था, खाने के बाद, खाने के बाद अब समझ आया, मतलब 10 में से 5 वी विल गिव, कितना कितना दोगे? 4 10 में 4
3 मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं था वो 4.5 मतलब खाने के लिए ठीक है, भूख लगा ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि बहुत अच्छा है, ज़्यादा फेक करने का ज़रूरत नहीं है यार, मतलब फेक करने ऐसे खा रहे हो वैसे दिखाओ, हम लोग ऐसे ही हम ऐसे ही दिखाएंगे भाई। तो आपको मन करे तो आना। तो आज का ब्लॉग मतलब ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ कहीं और जगह पे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।